हेलो एवरीवन, दीपिकाज वे में आपका स्वागत है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी नज़दीक आ चुकी है और गणेश चतुर्थी के मौके पर अगर आपने घर में मोदक नहीं बनाया तो क्या बनाया, क्योंकि गणेश जी का सबसे पसंदीदा भोग है वो है मोदक। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोदक की फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में 1 स्पून घी डालकर उसे लो फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। फिर हम उसमें 1 कप कसी हुई नारियल डालेंगे और उसे भुनना शुरू करेंगे। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच गुड़ डालेंगे और नारियल को, यानी कि कसे हुए नारियल को गुड़ के साथ सही से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैं स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो शक्कर है वो मेल्ट होने लग गया है और जो कसी हुई नारियल थी उसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये सतह को छोड़ ना दे। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट सतह को छोड़ना शुरू कर दिया है और ऑयल इसमें से निकलना शुरू हो गया है। ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। हमें इसे एक साइड पे रख देना है और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर एक पैन को चढ़ाएंगे और उसमें मेजरिंग कप से 1.5 कप पानी डालेंगे। 1.5 कप पानी डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें नमक डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन ना हो तो ना डालें। फिर हम इसमें लगभग 1.5 कप चावल का आटा डालेंगे और चावल के आटे को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि चावल का आटा पानी को अच्छे से सोख ना ले। ये देखिए, चावल के आटे ने पानी को अच्छे से सोख लिया है। अब हम इसे बंद करेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट ढककर छोड़ने के बाद इसका जो मॉइस्चर है वो चावल के आटे पर आ चुका है और अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। ये अभी गर्म है तो गूंदना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हमें इसे गूंदना है। अगर आपको मुश्किल पड़ रही है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हाथों पे लगा सकते हैं और फिर गूंदना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे गूंद रही हूँ। यहाँ पे मैंने हल्के हाथों में पानी लगाया है और इसे अच्छे से नॉर्मल आटे की तरह गूंद लिया है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मोदक बनाने का मोल्ड लिया है और मोल्ड पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि जब हम मोदक निकालना शुरू करें तो ये चिपके ना। मोदक बनाने के लिए हम चावल के आटे का लोई लेंगे और उसे कुछ इस तरह से रोल करने के बाद मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में चावल के आटे को अच्छे से डालने के बाद हमें इसे प्रेस करके इसको शेप देना है। हमें इसे बीच से प्रेस करना है ताकि बीच में थोड़ी सी जगह बने और हम इसमें फिलिंग डाल सकें। ये देखिए, मैंने इसे साइड से अच्छे से शेप दे दिया है और बीच में स्पेस छोड़ा है फिलिंग डालने के लिए। अब हम इसमें जो हमने फिलिंग तैयार किया है वो डालेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा जो नारियल के फिलिंग है वो इसमें डालेंगे और फिलिंग डालने के बाद हम इसमें चावल के आटे से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए, मैं इसे चावल के आटे से कुछ इस तरह से कवर कर रही हूँ
मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था तो मैंने बाकी का जो चावल का आटा था वो हटा दिया है। और अब ये बिल्कुल तैयार है मोल्ड में, हम इसे खोलेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मैं कुछ इस तरह से इसे खोल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर शेप आया है। इसी तरह हम बाकी के बचे हुए चावल के आटे का भी मोदक बना लेंगे। अब हमें इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे इडली वाला स्टीमर लिया है। अगर आपके पास मोमो वाला स्टीमर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इडली वाले स्टीमर के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है और इस पे मोदक को रख के इसे स्टीम करूँगी। हमें इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। 10 मिनट स्टीम करने के बाद हमें इसे बंद कर देना है। मैं इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर रही हूँ। ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट स्टीम हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के बाद ये देखिए मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये कितना सुंदर बना है और ये खाने में भी उतना ही लाजवाब लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। टिल देन स्टे होम स्टे हेल्दी। बाय बाय।